राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए, मूंग दाल पापड़ी। आटे और मूंग दाल से बना है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बनाइए और महीने दिन स्टोर करके आप रखिए, तो देखना कितना ये क्रिस्पी बना हुआ है। इसको आप शाम के चाय के साथ भी ले सकते हैं, या आपको कुछ चटपटा अगर कुछ खाने का मन करे तो इसको आप लेके खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान, तो देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, तो इसको बनाना चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/4 कप जो है हम ले लिए हैं मूंग का दाल, बिना छिलके वाली जो मूंग की दाल आती है, पीली वाली, वही है। और इसको हमको पानी में डाल के अच्छे से 2 से 3 पानी धो के पानी डाल के फूलने के लिए रख देंगे। तो ये 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, फूल जाएगा अच्छे से। फिर उसका पानी हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक हम जो है छन्नी ले लेंगे इस तरह से जाली वाली, और उस पर हम जो है सारे मूंग के दाल को डाल देंगे ताकि इसमें जो भी पानी होगा वो निकल जाए। तो इस तरह से अगर आप ये पापड़ी बनाएंगे तो आपके घर में यकीन मानिए बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच जो है तेल डालेंगे कढ़ाई में, फिर 1 चम्मच जीरा डालेंगे और क्रश करके खड़ा धनिया हम 1/2 चम्मच डाल देंगे। और यहाँ पे जो हम डालेंगे कलौंजी, अगर आपको पसंद हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। फिर कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच डालिएगा कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। करी पत्ता डाल दीजिएगा 8 से 10 कट करके। फिर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, तीखा पसंद हो तो डालिएगा वरना फ्रेंड आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा जो है चिली फ्लेक्स डालने से चटपटा सा टेस्ट आता है, तीखा ज़्यादा नहीं लगेगा ये। और ये जो भींगा हुआ मूंग का दाल है इसको हम डाल देंगे और मिला लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, और 1 मिनट तक हमको भून लेना है इसको। और भूनने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे दाल को। फिर इधर देखिए हम एक बर्तन में ले लेंगे गेहूं का आटा, नॉर्मली गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1/4 जो कप है हम ले लेंगे सूजी, एकदम बारीक वाली सूजी लेंगे। फिर नमक हम जो है टेस्ट के अनुसार डालेंगे, जितना बना रहे हैं उस अनुसार। फिर यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसमें ज़्यादा जो है तेल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हम बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच के करीब जो है बस तेल डाले हैं। और फिर इसमें हम जो मूंग का दाल बना के रखे हैं मसाला, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हाथों से इस तरह से मसल मसल के अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आटा और सूजी का यूज किए हैं। आप चाहें तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे से ही आप बनाएंगे तो ये बहुत ही जैसे कि हेल्दी है, क्योंकि मैदा नहीं है इसमें, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी ये बन के तैयार होता है। तो इसी तरह से हम इसको जो है हाथों से इस तरह से मसल लेंगे और मसल मसल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम पानी ले लेंगे और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे, और सख्त सा आटा हमको जो है गूंथ लेना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी है। तो यहाँ पे हम सख्त सा आटा गूंथ के ले लिए हैं और इसको ढक देंगे। आप चाहें तो 10 मिनट के बाद बना सकते हैं, 1/2 घंटे के बाद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 1/2 घंटे के बाद बना रहे हैं। तो 1/2 घंटे के बाद ले करके आटे को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने का एकदम छोटा छोटा जो है लोई की तरह काट लेंगे। आप चाहें तो छोटा छोटा जो है लोई की तरह काट के बेल के पूड़ी की तरह तल लीजिए, या फिर एक ही बार जो है बड़ा जो है रोटी की तरह बना करके किसी ग्लास से कटोरी से आप जो है छोटा छोटा कट करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सारे जो है लोई को बेल लिए हैं, और इसको एकदम पतला पतला बेलना है हमें। और इधर देखिए कढ़ाई में तेल जो है डाल दिए, तो तेल गरम हो गया है, और इसमें हम जो है एक एक पापड़ी करके डालेंगे। तो ज़्यादा जिस तरह का आपका कढ़ाई है उस अनुसार जो है आप पापड़ी इसमें डाल के तलिएगा। तो हमारा इस तरह का गहरा कढ़ाई है, तो इसमें हम देखिए 3 ही पापड़ी डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और इसको देखिए हम तलेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उलट पलट करके हमको जो है पापड़ी को सेकना है। गैस का फ्लेम हाई नहीं रहना चाहिए फ्रेंड, गैस का फ्लेम लो से हल्का सा जो है तेज रहना चाहिए। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम पापड़ी को तल लेंगे, और आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये हमारा पापड़ी जो है
अभी ही कितना जो है कुरकुरा जैसा दिख रहा है। तो इसी तरह से हमको सारे पापड़ी को बना करके ले लेना है। तो चलिए हम देखिए निकाल लिए हैं सारे पापड़ी को तल के। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना फ्रेंड कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना कितना ये आराम से टूट जा रहा है और ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। फ्रेंड मिलते हैं अगली रेसिपी।